गुड मॉर्निंग। आज हम कैथोड रेज की बात करेंगे कि कैथोड रेज जो है वो होती क्या है। तो यार आपको पता है कि कॉमन मैन और एक साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। कॉमन मैन को सबसे पहले ये पता चलता है कि गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब यही बात साइंटिस्ट को पता चलती है कि गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके मन में यह ख्याल जरूर आता है कि अगर हम गैस को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बना दें तो एक नई डिस्कवरी जो है वो हो जाएगी। तो तीन साइंटिस्ट, जेजे थॉमसन, जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक्स, ये जो है वो गैस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए निकल पड़े। ये बोल के गए कि जब तक गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तब तक हम जो है वो वापस नहीं आएंगे। तो ऑर्डिनरी जो कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर, उसमें तो गैस जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर ही रहेगा, ये बात तो सबको पता थी। तो गैस के जो टेम्परेचर है, गैस का जो प्रेशर है, उसमें कुछ चेंज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हैं, वरना नहीं करा सकते। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि गैस को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनाया जाए। तो जो उनका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था वो था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था क्या? तो उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या कहलाती है? तो डिस्चार्ज ट्यूब ऐसी ग्लास ट्यूब होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड फिट होते हैं और एक वैक्यूम पंप जो है वो लगा रहता है। तो ऐसी ग्लास ट्यूब जिसमें दो इलेक्ट्रोड हो और एक वैक्यूम पंप लगा हो, उस ट्यूब को हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि डिस्चार्ज ट्यूब लिया और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को फिल कर दिया। गैस के अंदर का प्रेशर अभी 1 एटमॉस्फियर था, तो 1 एटमॉस्फियर पे तो गैस जो है वो बैड कंडक्टर ही रहेगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो फिर उन्होंने क्या किया, वैक्यूम पंप से इस गैस के अंदर का जो प्रेशर था उसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उन्होंने प्रेशर 10^-2 एटमॉस्फियर किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो ग्लो नजर आने लगा। डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो ग्लो करने लगी और जब प्रेशर को 10^-4 एटमॉस्फियर किया तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो ग्लो था वो समाप्त हो गया और गैस जो थी वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर हो गई। यार ऐसा क्या हुआ कि गैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो कंडक्टर हो गई? तो जैसे ही हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस के प्रेशर को 10^-2 से 10^-4 एटमॉस्फियर तक रिड्यूस किया, तो ये गैस जो है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर हो गई। ऐसा क्या हुआ कि ये गैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर हुई? तो इसका रीजन ये था कि जब हमने गैस के प्रेशर को कम कर दिया, तो गैस के प्रेशर को कम करने पे गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो बहुत कम हो गई और जब गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बहुत कम हो गई तो उनके बीच जो होने वाला कोलिशन है, उनके बीच जो होने वाली टक्कर है वो भी कम हो गई। और जब टक्कर कम हुई तो हमें पता है कि स्पेस से कॉस्मिक रेज, स्पेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आती रहती हैं, अभी भी आ रही हैं। तो स्पेस से आने वाली जो कॉस्मिक रेज जो है, कौन सी रेज? कॉस्मिक रेज। अब यहां पे हम कॉस्मिक रेज की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कॉस्मिक रेज की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है और अगर वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तो कॉस्मिक रेज जब इस गैस मॉलिक्यूल्स पर टकराती है तो गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो आयनाइज हो जाते हैं, मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और गैस का जो मॉलिक्यूल है वो आयनाइज होकर पॉजिटिव आयन बनाएगा। अब पॉजिटिव आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन निकल गया,
इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की ओर आएगा और पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की ओर जाएगा। यहां पे हमने दोनों इलेक्ट्रोड को 10,000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा गया। अब यहां पे हमने इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट किया, तो उसका रीजन ये था कि जब ये जो पॉजिटिव आयन है जब ये कैथोड प्लेट पे टकराएगा तो ये टक्कर इतनी जबरदस्त होगी कि इस कैथोड प्लेट से भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो जैसे ही ये पॉजिटिव आयन, गैस का पॉजिटिव आयन इस पे टकराता है, इस प्लेट से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होते हैं। तो अब गैस के आयोनाइजेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एक बीम जो है, एक धारा जो है वो कैथोड से एनोड की ओर फ्लो होने लगती है। इस धारा को, इस बीम को ही हम कैथोड रेस बोलते हैं। यार आपको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की बीम जो है फ्लो हुई है, आपने तो देखा नहीं। तो अगर आपको ये देखना है, अगर आपको ये जानना है कि वाकई में कोई ऐसी जो बीम है वो कैथोड से एनोड की ओर फ्लो हो रही है, तो आपको ये जो एनोड है हमारा, इसको क्या करना चाहिए, आपको परफोरेटेड बनाना चाहिए, इस एनोड में कुछ होल कर देने चाहिए और एनोड के बैक साइड में जो है आप क्या करो, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दो। फ्लोरोसेंट स्क्रीन में भी जिंक सल्फाइड हो सकती है। तो ये जो स्क्रीन होती है, जब इस पे कोई पार्टिकल आके टकराता है तो यहां पे ग्लो जो है वो उत्पन्न होता है, ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो हमको पता चल गया कि इस यहां पे कोई पार्टिकल जो आके जो है वो टकराया। तो इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो फ्लो होती है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इस बीम को ही हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं। तो जब हमने गैस के प्रेशर को रिड्यूस नहीं किया था तो क्या तब कॉस्मिक रेज नहीं आती थी? हम कहेंगे तब भी कॉस्मिक रेज आती थी। तो फिर क्वेश्चन ये होगा कि फिर तब जो है वो गैस आयोनाइज क्यों नहीं हुई? तो उसका रीजन ये था कि कॉस्मिक रेज आती थी, गैस के मॉलिक्यूल्स पे टकराती थी। कॉस्मिक रेज अपनी एनर्जी जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर करती थी, लेकिन गैस तब आयोनाइज नहीं होती थी। उसका रीजन ये था कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा के उस एनर्जी को क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो गैस के मॉलिक्यूल पे वो एनर्जी का अमाउंट नहीं मिल पाता था जो उसके आयोनाइजेशन के लिए जरूरी होता था। तो जब हमने गैस के प्रेशर को रिड्यूस नहीं किया था तो उस टाइम पे गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो आयोनाइज नहीं होते थे, इसलिए गैस जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती थी। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आती हैं। कैथोड रेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो होती हैं? तो पहला प्रॉपर्टीज होती है कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रेवल करती हैं। अब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं तो आप ये कैसे बता सकते हो कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं? तो एक सिंपल सी बात है, अगर ये कैथोड रेज है, ये जा रही है, अगर इसके पाथ में कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाए, सपोज कि इसके पाथ में आप आ गए बीच में, तो ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी जाती है। इसको इतना भी नहीं पता कि आप बीच में आ गए तो इधर से निकल जाए फिर जाने लगे, या इधर से ऐसे निकल के फिर जाने लगे, ऐसा नहीं होगा। ये सीधी लाइन एकदम स्ट्रेट जाती है, दाएं बाएं बिल्कुल नहीं होती है। तो दाएं बाएं नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि जब कैथोड रे जो है वो आपसे टकराएगी तो क्या होगा, आपकी जो परछाई होगी, आपकी जो शैडो होगी वो पीछे बनेगी, और ये शैडो तब तक बनेगी जब तक आप उसके रास्ते में खड़े रहेंगे। जब आप उसके रास्ते से हटोगे तो शैडो भी खत्म हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट की शैडो बनना उसके स्ट्रेट लाइन को शो करता है। सेकंड जो है कैथोड रेज, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन से कंसिस्ट होती है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम जो होता है। कैथोड रेज जो है इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10³³ किलोग्राम होता है।
क्योंकि कैथोड रेस पे मास होता है इसलिए वो लाइट पैडल व्हील को क्या कर देती है, वो रोटेट कर देती है। अगर कैथोड रेस के रास्ते में एक हम पैडल व्हील जो है वो रख दें तो ये क्या होने लगेगा, ये पैडल व्हील जो है वो क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। क्यों घूमने लगेगा, क्योंकि कैथोड रेस में मास होता है इसलिए घूमने लगेगा। कैथोड रेस में चूंकि मास होता है, ये मास लगभग नेग्लिजिबल होता है 9.1 × 10⁻³। लेकिन इस मास के कारण ही कैथोड रेस की जो वेलोसिटी होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जो है वो लाइट की स्पीड से नहीं जाती। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्योंकि लाइट का जो पार्टिकल होता है फोटोन, उसमें मास नहीं होता है, इस कारण उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन कैथोड रे उसमें मास होता है, इस कारण उसकी स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और चूंकि कैथोड रेज की स्पीड इतनी होती है, इस कारण कैथोड रेज मतलब इट डज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि कैथोड रेज में मास होता है इस कारण उसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं होती, इस कारण कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती है, जो हमारा रेनबो होता है, जो सनलाइट होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, सिंपल सी बात है। फिर कैथोड रेज जो होती है फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती है, अगर ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जाके टकराती है तो फ्लोरोसेंस बनाती है। कैथोड रेज जो होती है वो एक्स रेज प्रोड्यूस करती है। कैथोड रेज का जो यूज है, जो इंपॉर्टेंट यूज है, वो क्या है, प्रोड्यूस एक्स रेज। और ये एक्स रेज कब बनाती है, जब कैथोड रेज जो होती है हैवी मेटल पे पास होती है, हैवी मेटल पे कोलाइड होती है, तो हैवी मेटल से क्या होती है, एक्स रेज जो है वो निकलती है। तो हैवी मेटल आपका क्या हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है। तो कैथोड रेज के लिए जो स्पेसिफिक चार्ज होता है, स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो, ई अपॉन एम जो रेशियो है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.76 × 10⁻¹ कूलम पर किलोग्राम। अब कैथोड रेज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम होता है। तो ये जब इसको डिवाइड करोगे तो ये रेशियो कितना आएगा, 1.76 × 10⁻¹⁹ कूलम पर केजी आएगा। तो कैथोड रेज के लिए स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू जो होती है वो गैस पे डिपेंड नहीं करती, हर गैस के लिए कैथोड रेज का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो इतना ही होगा। नेचर ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, कि डिस्चार्ज ट्यूब हमने कैसी ली, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। कैथोड रेज का नेचर जो है, गैस हम कौन सी ले रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कोई भी गैस ले लो, कैथोड रेज का नेचर जो है गैस पे डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, हम कोई भी किसी भी मेटल प्लेट का इलेक्ट्रोड लगा दे, कैथोड रेज का नेचर जो है उस मेटल प्लेट पे डिपेंड नहीं करेगा। अगली जो प्रॉपर्टीज है, दे डेविएट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती है, तो जब हम कैथोड रेज के रास्ते में कैथोड रेज जो है वो ये जा रही है, अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये जो है वो नेगेटिव प्लेट है, तो कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती है, तो ये क्या होगी, ये पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या होती है, इसका डेविएशन हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।